हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल खेती में। आज आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी खेती। हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं इन दवाई की, एक तो है रेडोमिल और यह स्टिकर, जो मतलब पत्ते पर दवाई को चिपकने के लिए काम यूज में किया जाता है हमारे लिए खेत में। और आप देख रहे हैं पीछे स्प्रे भी हो रही है। तो दोस्तों, यह है स्ट्रॉबेरी की खेती और ये स्ट्रॉबेरी के प्यारे प्यारे खूबसूरत लवली पौधे हैं। ये छोटा सा फल आपको नजर आ रहा है, देखिए इस तरीके से फल लगता है। और यह है इसका फूल, ये देखिए सफेद रंग का बड़ा ही लवली फूल है। इस तरीके से फसल लगती है दोस्तों, ये देखिए। तो स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल खेती यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सर बताइए इस खेती के बारे में, हमारे जो श्रोता हैं, जो किसान भाई हैं, उनको बताइए इस खेती के बारे में। ये खेती बहुत ही फायदे की है। पहले तो ये है कि खैर मेहनत तो सभी खेती में होती है, इसमें थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, पर उसी हिसाब से मुनाफा भी इसमें सही है। देखिए हमारा पेड़ ये 1 फुट की दूरी पर लगता है। एक बीघे में हम 3000 से 3200 पेड़ लगते हैं और इसका जो एक पेड़ आता है वो 8 से 10 रुपए के करीब आता है। एक पेड़ हमारा जो पुणे से मंगवाते हैं, इस पेड़ को हम पुणे से आता है। हाँ जी, पुणे से आता है ये पेड़। अच्छा, तो मिनिमम 8 से 10 रुपए में जो पौधा या जो पेड़ आता है स्ट्रॉबेरी का, वो मतलब कोई एक ब्रीड का आता है, कोई एक ब्रांड होता है, या कोई भी पौधा है इतने रुपए का? कोई भी पौधा नहीं होता, ये तुम्हारा नर्सरी में तैयार किया जाता है, बढ़िया पौधा होता है। कंपनीज बनाती है, पैदा करती है, कंपनी नर्सरी है, बड़ी नर्सरियां हैं, वो तैयार करती है इन पेड़ों को। ऐसे यहाँ कहीं और मिलता भी नहीं है, ज्यादातर पुणे से ही मंगवाते हैं। अच्छा, वहाँ पर इसकी जो बड़े पैमाने पर, जो बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं इनकी नर्सरी को। अच्छा अच्छा, तो ये जो जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं स्प्रे चल रही है, स्प्रे किस तरीके की हो रही है इस वक्त? ये गलन की स्प्रे हो रही है, जो इसमें मतलब फंगस बहुत ज्यादा लगती है, इसे ब्लाइट बोलते हैं। अच्छा, ब्लाइट का रोग बहुत ज्यादा आता है, तो क्योंकि इसमें तना नहीं होता इस पेड़ में, इसके ऐसे पत्ते निकलते हैं और उसी से बेल फल सब उसी से निकलता है। जैसे आप सोच रहे कि इसी पेड़ में तना होता है, इसमें तना नहीं होता। दिखाइए जैसे 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 आप देख सकते हैं इसमें, देखिए आप, इसमें तना नहीं होता है, देखिए आप। ये जड़ से ही पूरा, जड़ से ही ऐसे ही पत्ते फल फूल ऐसे फूल, सब ऐसे ही निकलता है, तना नहीं होता। जी जी, देखिए दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लगी भी हुई है, ये देखिए इस तरीके से बाद में हल्का रेड होने लगती है। जी, तो आपने बताया कि पुणे से आप ये पौधे मंगाते हैं, लगभग कितना शानदार पेड़ है ये ना। जी देखिए फल भी, फूल कितना शानदार लगा हुआ है। जी जी जी, फल भी काफी अच्छा आ रहा है। देखिए शुरुआत फल की ऐसी होती है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये देखे सफेद रंग का ये प्यारा फूल है और फल की शुरुआत भी अच्छी होती है। फल का एवरेज कम से कम 2 से 3 किलो आ जाता है एक पौधे पे, 2 से 3 किलो फल आता है। 6 महीने की फसल होती है, 6 महीने की फसल होती है और अमूमन ये अभी करीबन 2 महीने के करीब की फसल हुई है। अच्छा, हमारी लगे हुए 2 महीने और इसमें से हार्वेस्ट हो चुका है अब तक माल। जो हमारा शुरू का हार्वेस्टिंग हुई थी कम से कम 1200 रूपए बॉक्स गया था, जो 2 किलो का होता है, मतलब 600 रूपए किलो। अच्छा, अभी तो बॉक्स में पैक होके जाता है, जो हमें मार्केट में मिलता है उसी में। छोटे छोटे आते हैं बॉक्स, पहले छोटे बॉक्स में पैक होता है जो पाव भर का या 200 ग्राम का होता है। हाँ, फिर उसको 2 किलो के बॉक्स में 8 डिब्बे पैक किए जाते हैं। तो फसल बोने के बाद कितने दिन बाद जो है फल मिलना शुरू होता है, या कितने दिन बाद फूल आता है? 40 दिन बाद। 40 दिन बाद, 40 दिन बाद आप इससे फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो हमारे किसान भाई हैं कि वो किस तरीके से शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत अगर आपके पास इतना वो नहीं है तो आप कम लगा के शुरुआत में खेती की देख सकते हैं कि किस तरीके से करें, मतलब आपको रोग किस तरीके का लगता है, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो आगे से बढ़ा सकते हैं। शुरू में थोड़ा ही करें, हमको हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ज्यादा करके गलती खाएं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, भाई देखो ये तो नुकसान है, मशीनरी भी खराब हो जाती है, आदमी भी तो एक मशीनरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हैं ये पौधा है भाई, नफा नुकसान तो आपको पता है सभी फसलों में चलते रहते हैं। जी, पर ये है कि फिर भी ये मुनाफे की फसल है, तो थोड़ा ओला पड़ गया था इस वजह से थोड़े पेड़ों पे रमन कम है, यानी तो बहुत ही बेहतरीन खेत था अभी ये, अभी इसमें स्प्रे चल रही है, हम स्प्रे करा रहे हैं इसीलिए कि जिससे गलन ना आए, क्योंकि बर्फ से ठंड से ज्यादा गलन फैल जाती है इसमें। और अब इसमें से कली हार्वेस्ट हुआ है, कली तुड़ाई करी है, तो आप आज तो कच्चे ही लगे हुए हैं। हम चलते चलते बात करेंगे ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो देखते भी रहें फसल किस तरीके से तैयार की जा रही है यहाँ पर। बाकी जैसा आपने बताया कि शुरुआत में 8 से 10 रुपए का पेड़
मंगा सकते हैं कोई भी किसान भाई जो बोते हैं, तो कुछ क्वांटिटी निश्चित होती है कि भाई आप कम से कम 10,000 का, 20,000 का या लाख रुपए का ही सामान मंगाएंगे? जितना आपका वो है उस हिसाब से मंगा सकते हैं, जितना बजट है। हाँ जी, तो कम से कम भी 10,000 पेड़ तो आने चाहिए। हाँ। तो आप शुरुआत अगर कोई किसान करना चाहता है, थोड़ा सा इसके फायदे और नुकसान बताइए कि नुकसान कहाँ कहाँ गुंजाइश है, क्या क्या गुंजाइश है? नुकसान का यही होता है कि एक तो बारिश से इसे बचाएं, बारिश से बचाना है, और एक ओले से। अभी हमने ओले से कवर किया था इसको, अभी पन्नी हमने हटा दी है। अच्छा, पन्नी पॉलिथीन पड़ी हुई थी, और सरिये टाइप में एक होता है जिसे ज्यादा पाला पड़ता है तो उसे कवर कर देते हैं रात को, क्योंकि पक जल्दी जाती है उससे। अच्छा अच्छा, तो ये चारों तरफ ही मैं देख रहा हूँ, बाउंड्री चारों तरफ ही आपने लगाया हुआ है? लील गाय जो मतलब जानवर होते हैं, लील गाय होगी, उनसे रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए सुअर हो गया, मतलब इनके फूल पे अट्रैक्टिव होती है लील गाय, रात को चमकते हैं सफेद रंग के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस पूरे खेत में ये कितनी जो है जगह है, कितने? 8 बीघे जमीन है ये हमारी। 8 बीघे में आपने कितना खर्चा किया ये फसल लगाने के लिए? 8 बीघे में खर्चा आप लगा लीजिए कि 10 रुपए पेड़ आया तो इसमें कम से 25,000 पेड़ लगे हैं, तो 2.5 लाख के तो पेड़ ही होगी, नॉर्मल सी बात है। और भाई लेबर का खर्चा इसकी, क्योंकि शुरू में नलाई लगानी पड़ती है, और ये पोलोथीन का हो गया, और अमूमन ऐसे मान लो कि 4 लाख के करीब का खर्चा इसमें हो चुका है। अच्छा, तो 4 लाख से लगभग कितना समय पहले आपने ये फसल बोई थी? इसको 2 महीने हो चुके हैं फसल को। 2 महीने में अभी तक आप कितनी कमाई कर चुके हैं? पचास से साठ हजार रुपए की फसल की पैदावार अभी तक आप ले चुके हैं? हाँ, अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक चलेगी ये फसल हमारी। मार्च अप्रैल तक ये फसल चलेगी, कंटिन्यू फल देगी। अभी तो खैर फल कम है, क्योंकि जितना टेम्परेचर हाई होता जाएगा ये बहुत ज्यादा फल देने लगेगी, ठंड में थोड़ी कम फल लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो फल माना जाता है वो रईसों का फल माना जाता है, रईस लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है, गांव में तो इसका कोई नाम भी नहीं जानता। एक तो महंगा है, इसके वैसे हेल्थ के मामले में काफी अच्छे बहुत प्रोडक्ट तैयार होते हैं, पर हम जैसे जो गांव के लोग होते हैं ना, महंगे फल पसंद नहीं करते, क्योंकि बड़े सेब ही मिल जाए वही बहुत होता है यार हम जैसे लोगों को। तो चलिए खैर, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि कोई अगर इस तरीके की फसल करना चाहता है? देखो, मैं ईंक भी हम बहुत साल से बोते आ रहे हैं, हमने भी बोई है, अब भी बोई हुई है, गेहूं भी बोते आ रहे हैं, सभी फसल बोते आ रहे हैं, पर उनमें इतना मुनाफा नहीं है जितना कि इसमें है। इसमें है, मेहनत का काम है लेकिन मुनाफा सही है। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ ब्लैक पॉलिथीन आपने पूरा कवर किया, पूरा डोला, ये क्यों किया है? क्योंकि इसमें एक तो खरपतवार नहीं जमती, फिर दूसरी जो स्ट्रॉबेरी निकलती है ना ये, हाँ। आप देख रहे हैं ना ये, जी जी जी। ये पन्नी पे रहती है, अगर जमीन में लगेगी तो ये गल जाएगी। अच्छा, क्योंकि अच्छा। इसका जो वो होता है ना कबर ऊपर से बहुत मुलायम होती है, हाँ। अगर मिट्टी में लगेगी तो गल जाएगी, जैसे टमाटर गल जाता है, और भी फसलें हैं, हाँ। जो जमीन में लगती है वो गल जाती है। इससे ये फायदा होता है इसका। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, हमारा सवाल ये था कि जो किसान भाई अब इस तरीके की फसल करना चाहेंगे आपकी, जो ये कि भाई 10-20 हजार से शुरुआत कर सकते हैं और लाखों की कमाई हो सकती है, तो अगर किसी का बजट लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का है, अगर कोई भी किसान 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो कितनी कमाई कर लेगा साल भर में? 1 लाख लगा के करीबन ये मान लो कि 4 लाख का मुनाफा तो खाई कमाई कमा सकता है। अच्छा, 4 लाख का मुनाफा, 1 लाख लगा के 4 लाख का मुनाफा तो ले सकता है 6 महीने में। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बस एक धारणा बनी हुई है कि गन्ने की फसल बोने में मेहनत कम होती है, मेहनत भरपूर होती है उसमें भी। फसल में होती है जी। तो इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी गन्ने में करनी पड़ती है? हाँ, मेहनत तो इसमें वैसे हार्डली मेहनत नहीं है इतनी, गन्ने में हार्डली मेहनत ज्यादा है कि पूली बांधना, काटना, गन्ने बंधाई, जुताई, इतना काम नहीं है इसमें। इसमें नलाई का और आप ये मान लो कि तुड़ाई का ज्यादा है, बस इसमें इतना वजन का काम नहीं है, हार्डली काम नहीं है, थोड़ा स्मार्ट काम तो ज्यादा है। हाँ, स्मार्टली काम है, मतलब मजदूरों का काम ज्यादा मान लो, या अगर थोड़ा बहुत हो तो खुद भी कवर कर सकता है, 2-4 आदमी है तो। तो दोस्तों, आप भी अगर इस तरीके की कोई फसल करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है आपका अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। जैसा कि टीटू जी ने बताया कि 1 लाख रुपए अगर आप खर्च करते हैं, 1 लाख की फसल आप इस तरह का खेत बनाने में, तैयार करने में लगाते हैं, तो आप लगभग 5-4 लाख रुपए बचा लेंगे, और जैसे जैसे आपको मुनाफा बढ़ता चला जाएगा, आपका जो दायरा है कमाई का वो भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए, बड़ा खूबसूरत होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सड़कों के किनारे अक्सर नजर आता है ना बिकता हुआ, तो रईस लोग खाते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बस में नहीं है, अभी 500-400 का रेट चल रहा है यहाँ से जो जाता है। अच्छा, माल आपका यहीं से चला जाता है? नहीं, मेरठ पहुँचाना पड़ता है। मेरठ पहुँचाना पड़ता है, तो मंडी में कहाँ? मंडी है।
फल मंडी में, हाँ फल मंडी में, तो इसकी डिमांड काफी रहती है, डिमांड काफी रहती है। अगर आप बड़े फल विक्रेताओं से संपर्क करें तो वो डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, यहाँ से भी ले जाते थे पिछली बार थोड़ा कम था तो यहाँ से भी ले जाते थे। फिर वो मार्केटिंग के ऊपर भी आप किस तरीके से मार्केट थोड़े डाउन या आप होती है।